आता अभिमानानं बोला माझं सोलापूर न्यूज चॅनल। रमजान ईद नंतर बकरी ईद अवघ्या काही दिवसात आली आहे, त्यामुळे बकरी ईदच्या दिवशी कुर्बानी देण्यासाठी विविध जातीचे बकरे सोलापुरात दाखल झाले आहेत। 15,000 ते 60,000 रुपयापर्यंतचा भाव काही ठिकाणी आहे, तर काही ठिकाणी 60,000 पेक्षाही महागडे बकरे विक्रीस उपलब्ध आहे। सोलापुरातील जोडबसना चौकात बकऱ्यांच्या बाजाराचा आढावा घेतला आहे आमचे प्रतिनिधी अकबर बागवान आणि जहूर सय्यद यांनी। सोलापूर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा की आप सब जानते हैं, इस्लाम धर्म में दो जो ऐसे ईदेन हैं जिसको ईद उल फितर और ईद अज़ा। ईद उल फितर यानी रमज़ान ईद, ईद अज़ा यानी बकरी ईद। ईद उल अज़ा के बहुत बड़े मायने हैं। यहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत है, उस सुन्नत को पूरा करने के लिए ईद उल अज़ा मनाई जाती है। तो जिस तरह से पिछले लॉकडाउन 2 साल में जो लॉकडाउन हुआ उसमें ज़्यादातर खुशियां नहीं मनाई गई, ईदें नहीं मनाई गई, लेकिन इस साल अल्लाह ताला के फजल करम से यहां का जो माहौल है और कोरोना कुछ हद तक कम हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर तरह तरह के यहां पर बकरों की एक सजावट, एक मेला सा लगा हुआ है। यहां पर बकरों के रेट को लेकर भी काफ़ी तर्क वितर्क ऐसे लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से उस्मानाबाद औरंगाबाद यहाँ से बकरे मंगाए जाते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। ये मान्यता ऐसी है कि अल्लाह ताला की नज़र में कुर्बानी का जो बकरा है या दुम्बा है, जिसको हम भेड़ कहते हैं, यानी भेड़ और बकरा, तो इसके इस बकरे के बाल के एक बाल बराबर 70,000 नेकियाँ यानी 70,000 पुण्य एक बाल के बराबर अल्लाह ताला आता फरमाता है। तो इस सुन्नत को पूरा करने के लिए ईद अज़ा मनाई जाती है, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए और हमारे देश में अगर कोई संकट आने वाला तो संकट को दूर करे और कोरोना से जल्द हमको नजात दिलाए। ऐसे अल्लाह ताला के ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना है। सोलापुर में जहाँ पर अभी ईद 10 तारीख को ईद है, तो यहाँ से आज से ही या 2 दिन पहले से मानो यहाँ पर मेला लगा हुआ है। तो बकरा है जो बेचने के लिए यहाँ 8-10 दिन पहले ही लोग खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि एक मान्यता ऐसी भी है कि कुर्बानी देने वाले को 5 से 6 दिन पहले या 8 से 10 दिन पहले अपने घर के पास कुर्बानी का बकरा जानवर ये बांध कर उसको कुछ खिलाया पिलाया जाता है। उस जानवर से, जो कुर्बानी का जानवर, उसे मोहब्बत की जाती है, इसी का नाम कुर्बानी है। तो मेरे सहायक कैमरामैन अकबर बागवान के साथ जहूर सय्यद, माझा सोलापूर न्यूज। मेरा नाम बिलाल बादशाह भाई शेख, मैं रहने का वर्जी का, ये बकरे का व्यापार करता 93। ये बकरे का व्यापार चालू है अभी, सद्या तो गिराक कम है बरसात की वजह से। अब बरसात एक ना बंद हुआ तो गिराक चालू रहेंगे। क्या कीमत है बकरे की? 15,000 से लेकर 55-60,000 तक कीमत है। कौन से नस्ल के? ये बकरे जवारी नस्ल के हैं। ये बकरे न्याय सोलापुर से मोल्डी मोहल इंगूर सांगोला ये बाजार से बोला करें। बकरे जो है खसी बकरे की मांग है, खसी अंडिल बकरे की मांग है। तो आने वाले कुछ दिनों बकरी ईद है, क्या लगेगा बिजनेस? बिजनेस गारंटी कम है, लोगों पास पैसा नहीं है, 2 साल से लॉकडाउन है, लोगों पास तकलीफ भी है, फिर आ रहे आ रहे देख रहे जा रहे खाली। मैं शब्बीर व्यापारी बोल रहा हूँ। यहाँ हर साल के मुताबिक इस साल भी बकरे आए हुए हैं, जवारी है और खस्सी और अंडुल बकरे ये सब अवेलेबल है। और ये 15,000 से लेकर 60,000 रुपये तक का बकरा है अपने पास। लोग क्या देख के खरीदते हैं बकरा?
कान फटा हुआ नहीं चाहिए, बकरा पूरा टोटल मुकम्मल चाहिए बकरा, ये हिसाब से लेते बकरा। दो साल कोविड की वजह से ना, दो साल से ना बहुत बड़ा नुकसान हुआ शेतकरी का, क्योंकि बाजारी बाजार पेट बंद था टोटल। अभी लेकिन इस साल अच्छा रिस्पॉन्स है, देख कर जा रहे लोग और खरीदी भी कर रहे, और बड़ा सब लोगों में उत्साह भी अच्छा है। ये बारी लोग ज़्यादा खरीदे ऐसा लगता है क्या? हाँ, रिस्पॉन्स तो अच्छा है कि लोग अभी थोड़ा बहुत चालू है, ईद के करीब करीब सेल अच्छा होगा ये उम्मीद कर रहे हम लोग। ये औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अपने मराठवाड़े से, विदर्भ से आते बकरे। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। यहाँ पे हर साल के मुताबिक इस साल भी बकरे लाए हुए हैं। चिकन सेंटर अल सैदना, खस्सी बकरा और अंडिल बकरा दोनों भी है यहाँ पे, और प्राइस है 15,000 से लेकर 60,000 तक बकरा अवेलेबल है, बड़ा और छोटा दोनों भी बकरे हैं। देख सकते हैं आप, पूरे जवारी बकरे हैं, पूरे उस्मानाबादी ब्लैक में भी है और वाइट में भी है, दोनों में भी है बकरे। कहाँ से आते हैं बकरे? ये बकरे उस्मानाबादी अपने टोटल लोकल के हैं, पूरे टोटल जवारी बकरा है। क्या कीमत है? 15,000 रुपये से स्टार्ट है, 55,000-60,000 तक ही है बकरे हैं। लोग अभी चालू किए देखने का, चालू है, ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में बकरीद है, इस सिलसिले में कुछ जो कुर्बानी देते हैं वो लोग आ रहे हैं बकरे? हाँ, आ रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, थोड़ा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, लोग भी अपना भी रेट बता रहे हैं और हमारा भी रेट सुन के आ रहे हैं, रिस्पॉन्स है, थोड़ा थोड़े माल सेल भी हो रहा है। बकरा देखते समय क्या देखते हैं लोग कुर्बानी के लिए? बकरा देखते समय लोग है ना, बकरा अच्छा देखते हैं, हाइट देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, अपनी अपनी चॉइस है, खस्सी किसी को अच्छा लगता है, किसी को अंडिल लगता है, वो हिसाब से बकरा देख के रेट मांगते हैं। वजन देखते हैं इसका? हाँ, वजन भी चेक करते हैं, वजन भी बोले तो वजन भी, नक भी बोले तो नक भी। खस्सी बकरा मिले, वजन पर खस्सी बकरा मिलेगा 500 रुपये और अंडुल बकरा मिलेगा 450। माझं सोलापूर न्यूज चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। माझं सोलापूर न्यूज चॅनल।